नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, बीपीएल परिवारों को लेके बहुत बड़ी खबर ले आए हाँ, गांव हो या शहर हो, क्योंकि लाखों की संख्या में परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल श्रेणी के तहत आ चुके हैं और उनको जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो है राशन देने का काम कराया जा रहा है। अगर आप भी जो है बीपीएल परिवार के तहत हो और आपके परिवार को भी जो है राशन मिल रहा है, तो आपके लिए जो है बहुत बड़ी खबर है। इनको नहीं मिलेगा राशन। भई ये कौन से हैं जिसको जो है राशन आगे देना जो है बंद कर सकती है हरियाणा सरकार? किसने ये जो है काम करवाया है, किसने नहीं करवाया है, आप साथी देख लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो कुछ एक टाइम और बाकी है, जल्द से जल्द जो है अपना करवा लीजिए ताकि आपको राशन मिलना बंद ना हो। और राशन की जो सप्लाई है वो भी जो है घटती जा रही, उसके बारे में भी जो है बातें रहेंगी। आज साथियों ने दिखाई दिया सारे इन्फॉर्मेशन, तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों। भाई आज की जो है ताज़ा इन्फॉर्मेशन है, कार्ड धारकों की केवाईसी करेंगे राशन डिपो संचालक, फर्जी उपभोक्ता अब नहीं ले सकेंगे लाभ। यानी कि राशन कार्ड की जो है ई केवाईसी करवानी बहुत ज़रूरी है, जिसको देखते हुए जो है सरकार पहले भी आदेश दे चुकी है, लेकिन अभी जो है काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक भी बात करा तो 43% का ही राशन लाभार्थियों की ई केवाईसी हो पाई है। यानी कि 67% अभी भी जो उपभोक्ता हैं वो पेंडिंग बचे हुए हैं ई केवाईसी को लेके। और इस ई केवाईसी को लेकर अगर कोई भी उपभोक्ता जो है ये नहीं करवा होगा तो उसको जो अपना राशन से वंचित होना हो पड़ सका है। इसको देखते हुए इन्होंने बताया है कि फरवरी 2024 जो इसकी लास्ट डेट दी गई थी, लेकिन अभी तक यह जो है पूर्ण नहीं हो पाया है। इसके लिए विभाग द्वारा जल्द से जल्द जो है करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार ई केवाईसी होने से सभी लाभार्थियों का रिकॉर्ड विभाग के पास जो है ऑनलाइन पहुंच जाएगा। इससे किस राशन कार्ड में कितने लाभार्थी जुड़े हैं इसकी सही जानकारी विभाग तक पहुंच जाएगी। इससे फर्जी लाभार्थी जो है राशन नहीं ले पाऊंगे। जल्द से जल्द जो सभी लाभार्थियों की केवाईसी करवाने के जो है निर्देश दिए हैं। अगर आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाई है तो अपने नज़दीकी जो आपका राशन डिपो होल्डर है उसके पास जाइए, उनको जो है बोलने का काम कर दिया गया है, वो आपकी जो केवाईसी है वो करवाने का काम कर देंगे। और उससे आगे दूसरी खबर आई है कि राशन की एलोकेशन जो है कम हो चुकी है। दिसंबर में 51,000 कार्ड धारक तेल व 27,000 को चीनी से रहेंगे वंचित। यानी कि आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर इतने बीपीएल परिवारों की संख्या जो है बढ़ चुकी है कि एक एक गांव की अगर बात करा तो एक गांव में कुछ घरों को छोड़ के बाकी पूरे गाँव को राशन जो है वितरित किया जा रहा है इस बीपीएल स्कीम के तहत। क्योंकि पहले जो बीपीएल का आंकड़ा था वो 1,20,000 के ऊपर था, इसके अंदर 60,000 की और जो बढ़ोतरी हरियाणा सरकार ने कर दी, अब 1.80 लाख जिसकी इनकम है वो जो है बीपीएल श्रेणी के तहत आवे हैं। और इसी प्रकार से इनकी जो लगातार संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जो तेल और जो चीनी जो हरियाणा सरकार के लोकेशन अब इतना इतना जो है बैंडा जाओगा उसके अंदर भी जो है कटौती होनी शुरू हो चुकी है और कम दिया जाने लग गया है। इसलिए आपको जो है राशन कार्ड धारकों के द्वारा जो डिपो होल्डर है वहां पर भी यह स्कीम लागू कर दी है कि पहले आओ पहले पाओ राशन वितरित करेंगे। इससे जो हजारों राशन कार्ड धारक जो है राशन से में तेल और चीनी से वंचित हो जाएंगे। इसके चलते राशन कार्ड धारक और डिपो होल्डर के बीच जो है विवाद होने की स्थिति बन सकती है और इसके ऊपर जो एलोकेशन है वो उसको जो है जल्द बढ़ोतरी करी जाओगी। जो DFSC है भाई उन्होंने जो है ये जवाब देने का काम किया है। इन्होंने बताया कि नवम्बर माह के बाद अब फिर दिसंबर माह में राशन के तेल और चीनी के लोकेशन कम जारी की गई है। प्रदेश स्तर पर राशन कार्ड धारकों की जो संख्या है लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसी कारण से जो है इसके अंदर हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश स्तर में जो तेल और जो चीनी है उसकी कम लोकेशन जारी करी गई है, इसके बारे में हमने हेडक्वार्टर को सूचित कर दिया है। जल्द यह लोकेशन जो है जारी हो सकती है, अब हेडक्वार्टर के आदेशानुसार ही आगे कार्रवाई करी जाओगी। तो इस प्रकार से अगर आपको जो है अपने
गाँव के अंदर तेल और चीनी वगैरह लेना है तो सबसे पहले आपको अपना ले लेना है, कहीं आप भी जो है वंचित ना रह जाए। और ऐसा नहीं है कि आपको ये मिलेगा नहीं, अगले मंथ भी जो है इसकी सप्लाई देने का काम है कराया जावे है। तो आप साथ लगे ये जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए थे बीपीएल परिवार जो होल्डर हैं उनको लेके, ताकि वो एक तो अपनी केवाईसी करवा लें, दूसरी चीज़ जो है राशन भी जो है घटता जा रहा है, जिसके लोकेशन बढ़ने की भी बात आई है। जैसे आगे और कोई सूचना भी आओगी तो आपको जो अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाओगी। अभी फिलहाल के लिए आपको जो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे इन्होंने जो है हेडक्वार्टर को बोल दिया है जल्दी इसके अंदर जो है उड़ बढ़ोतरी हो जाएगी। आप सदन वीडियो देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।